एवरीवन, स्वागत है आपका और मैं हूँ अनामिका। और आज हम बात करने वाले हैं लकी बैम्बू, जो कि बहुत ही ट्रेंडी हाउस प्लांट है और इजी टू ग्रो करने के लिए और इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो हो जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लांट है। नॉर्मली ये लकी बैम्बू का प्लांट नहीं है, बैम्बू वैरायटी नहीं होता है, ये होता है ट्रॉपिकल वाटर लिली, जिसे कि ड्रेसियाना सैंडी रियाना भी बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेंग शुई प्लांट है, जो कि ऐसा माना जाता है कि गुड लक ब्रिंग करता है और जहाँ भी ये लगा रहता है वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा होम्स या ऑफिस में लगाया जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी ये लगा रहता है अगर राइट डायरेक्शन में, तो वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो फ्लो है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये सिंबलाइज करता है हैप्पी लाइफ के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट गिफ्ट होता है किसी भी ओकेशन में, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे बर्थडे हो, या फिर कुछ भी ओकेशन होता है उसमें गिफ्ट करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है। तो आज मैं आपको कुछ 5 केयर टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने पौधे को बहुत अच्छे से रखेंगे। तो पहला टिप है कि हमेशा आपको वीकली पानी चेंज करना है। जैसे आप देख रहे हैं गंदा पानी, तो इसको हमेशा आपको वीकली चेंज करना है। यहाँ पर मैंने साफ पानी आपको दिखाया, मैंने चेंज कर दिया। तो आप जब भी पानी चेंज करेंगे तो उसके बाउल के साथ साथ जो इसमें पेबल्स लगे रहते हैं उसको भी आपको साफ़ करना है। तो पहला पॉइंट आपको पानी चेंज करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा इसको ऐसे स्पेस में रखना है जहाँ की प्रॉपरली एयर फ्लो हो, जहाँ की फिल्टर्ड लाइट इसको मिलती रहे। एकदम डार्क प्लेस में नहीं रखना, आप खिड़की में रख सकते हैं या फिर जहाँ पर भी आपके डोर हो वहाँ पर, स्टूल में या फिर जहाँ पर भी लाइट आती हो वैसी जगह पे आप रेक पे रख सकते हैं। इसको फिल्टर्ड लाइट मिलती रहनी चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहनी चाहिए, डायरेक्ट लाइट में मत रखिए, नहीं तो इसकी जो लीव्स है वो जल जाएंगी। तो इसको फिल्टर्ड लाइट वाले एरिया में रखना चाहिए, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी आप इसकी लीव्स में पानी स्प्रे मत करिए, और जब भी आप पानी देते हैं तो वो आरओ वाटर होना चाहिए, जो कि अवॉइड क्लोरीनेटेड वाटर आपको अवॉइड करना है। डायरेक्ट टैप वाटर नहीं देना है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा हो, तो आपको क्लोरीनेटेड वाटर अवॉइड करना है। और रूट हमेशा ध्यान देना है कि इसको जो रूट्स हो वो पानी में समर्ज रहे, पानी एकदम सूखना नहीं चाहिए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और जब भी आपको इसकी लीव्स गंदी दिखे तो आप पानी स्प्रे मत करिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप इसकी जो लीव्स है उसको किसी भी कपड़े से वाइप कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें एक भी स्टिक जो है आपकी अगर सूखी या फिर येलो दिखेगी, तो उसको आप झट से निकाल दीजिए। आप उसमें बिल्कुल मत लगे रहने दीजिए, क्योंकि वो आपके जो फंगस होता है, वो जो एक स्टिक है वो सारे आपके पौधे को ख़राब कर देगी, और ये सस्ता पौधा नहीं आता है। तो उसको झटाक से निकाल दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ डालेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो उस पौधे को जो वो स्टिक है उसको आपको निकाल के फेंक देना है, नहीं तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, सॉइल में भी ये ग्रो करता है। ये बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। ये एक फेंग शुई प्लांट है जिसकी रेड रिबन जो है वो डिनोट करती है फायर को, और इसकी जो वुड है वो वुड को डिनोट करती है। फेंग शुई प्लांट है, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर फंगस का अटैक हो जाता है तो आप बीच बीच में इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी से थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए या फिर पानी में डला दीजिए, कि इसकी रूट्स जो हों वो फंगस अटैक ना रहे, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। और बीच बीच में, क्योंकि सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है हेल्दी होने के लिए, तो बीच बीच में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें एक दो दाने डीएपी के डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिए, एक दो दाने ही डीएपी के डालिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो। मैंने ये पौधे को बहुत पहले लेके आया था, एक दो साल मेरे को हो गया, और बहुत अच्छे से ये पौधा चल रहा है। तो ये जो 5-6 टिप्स मैंने जो अभी बताए हैं, जिसमें कि आपको पानी वीकली चेंज करना है, इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, अंधेरे में नहीं रखना, जहाँ पर लाइट आता हो वहाँ पर रखना है, और इसकी स्प्रे नहीं करना है फॉलेज को, उसको आप वाइप कर दीजिए, और क्लोरीनेटेड वाटर मत दीजिए, आपको टैप वाटर नहीं दीजिए, आरओ हो तो वो पानी दीजिए। अगर ऐसे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय।